हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तजनों, आप सभी को अपना अपना मनवांछित फल प्राप्त हो, और जैसे कि हम सभी दर्शकों जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में वेदों का बहुत ही महत्व होता है, और रुद्र का अध्याय जो है वो वेदों से ही जुड़ा है, यानी कि वेद ही रुद्र है और रुद्र ही शिव है। रुद्र अर्थात शिव जी का अभिषेक होता है। शिव जी को रुद्र अभिषेक बहुत ही प्रिय है, और रुद्र अभिषेक की उपासना की प्राचीन और शुभ फल देने वाली एक बहुत ही ये पुरानी पद्धति जो है वो सदियों से चली आ रही है। रुद्र अभिषेक करने से सभी देवताओं की पूजा जो है वो स्वयं संपन्न हो जाती है, और भगवान शंकर जी जो है रुद्र अभिषेक से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए रुद्र अभिषेक जो है वो भगवान शंकर का किया जाता है। और आप सभी जैसे कि जानते हैं कि लिंग रूपी शिव जी का दूध और जल से अभिषेक जो है वो किया जाता है, और रुद्र अभिषेक करने के लिए हमें जो जो सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, तो आइए भगत जनों जानते हैं कि हमें रुद्र अभिषेक करने के लिए कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो दर्शकों, हमें सबसे पहले रुद्र अभिषेक करने के लिए नंबर एक पे टीका चाहिए, और नंबर दो पे मौली चाहिए, लाल मौली, और नंबर तीन पे चावल, नंबर चार पे शक्कर और इलायची, लौंग इलायची, पान का पत्ता, दूध, दही, शहद, घी, जनेऊ और बेलपत्ती, भांग, धतूरा, आक के पत्ते और सुहागी, सेंट, मुश्कपुर, फूल और माला चाहिए। और भगत जनों, ये सारी सामग्री जो है वो शिवरात्रि के रात को हमारे पास होनी चाहिए। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हम इस वीडियो में जैसे भगवान भोले शंकर के सामने बैठे हुए थे, तो अपनी अपनी थाली में ये सभी सामग्री जो है वो डालकर पंडित जी जो है वो पूरी रात जो है वो शिवरात्रि को चार पूजा जो है वो रात को की जाती हैं। और अभी आप देख सकते हैं, ये हमारी पूजा जो है पूरी रात में जो चार पूजाएं होती हैं भगवान भोले शंकर की, और रुद्र अभिषेक होने के बाद जो है वो अभी आरती की जा रही थी, और आरती होने के बाद अभी जो है आरती होने के बाद हवन डाला जाता है। तो अभी जो है वो हवन की ये तैयारी जो है वो सामने आप देख सकते हैं वो की जा रही है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल आइकन घंटी के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, अभी हवन होने के बाद ये देख सकते हैं गांव वालों के लिए सभी के लिए जो है भंडारे का आयोजन भी किया गया है, जिसमें कि पहाड़ी धाम जो है वो मंदिर की तरफ से की गई है। तो देख सकते हैं ये जो गोटी है सामने, जिन्हें हलवाई भी कहा जाता है, तो ये सामने खड़े हुए हैं, और ये हमारे भगत जी गिलास लेकर खड़े हुए हैं साइड में। मैं वीडियो बना रहा था तो इन्होंने सोचा शायद वीडियो में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो इसलिए ये साइड में हट गए।
तो दोस्तों ये देख सकते हैं अभी सभी संगतें और भक्तजन जो है वो लंगर का प्रसाद ग्रहण कर रही हैं, यानी कि भंडारा शुरू हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो धन्यवाद दोस्तों।